Hi guys, I hope you're well. Welcome back to another CSS video. In this video, we're going to discuss how to prepare for the CSS Islamiyat exam. The CSS Islamiyat exam is one of those exams that majority of the candidates fail. It's very ironic that although majority of Muslims give the exam, uske bawajood bhi zyadatar log fail kar jate hain. One of the reason being ke bahut sare log overconfident ho jate hain. In this video, I'm going to tell you about which books to use, how to prepare for the Islamiyat exams, how to write the questions, structure kis tarike se likhna hai, quotations kahan se aapko collect karni hai, and practice kis tarike se karni hai. So let's start off with the first thing, the first most important thing, books kaun si use karni hai. To jo maine book istemal ki thi apni CSS Islamic ki taiyari ke liye, wo ye kitab hai, Islamic Studies by Hafiz Kareem Dad Chugdai. ये वो किताब है जो मेजॉरिटी सी एस एस कैंडिडेट यूज़ करते हैं. एंड द रीज़न बींग इस किताब के अंदर आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है. ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि हेडिंग्स भी दी गई हैं और वो हेडिंग्स आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. लेकिन इस किताब के जो क्या कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये मुझे जब मैं पढ़ता हूँ ये मुझे बहुत वेग और बोरिंग लगती है. तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक और किताब ली थी, इट्स कॉल्ड इस्लामियात भाई फरखंदा नूर. ये ओ लेवल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें इस्लामियत के जितने भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ए टू जी सबकी डिटेल्स दी गई हैं और बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है. आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको आसानी से पूरा इस्लामियत आपका कवर हो जाएगा बाई यूजिंग दिस बुक. इसके अंदर एक रेड कलर की भी किताब आती है, वो सी एस एस स्टूडेंट्स के लिए. तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट दैट एज़ वेल एंड यू कैन यूज़ दिस एज़ वेल. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी इस्लामियत की तैयारी इस किताब से भी करें और आप हफीज़ करीम दाद चुगताई की भी किताब यूज़ करें और इससे आप स्ट्रक्चर देखें और हेडिंग्स देखें और कोटेशंस भी देखें. कोटेशंस बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोटेशंस नहीं डालेंगे अपने आंसर में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछी थी वो ये थी कि इस्लामियत का पेपर इंग्लिश में दें या फिर उर्दू में अटैम्प्ट करें. आई थिंक वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके उर्दू की लिखने की सलाहियत, लिखने की, समझने की, पढ़ने की सलाहियत बहुत अच्छी है तो फिर आप बेशक उर्दू में दे दें एग्ज़ाम. अगर नहीं है तो प्ले इट सेफ और आप इंग्लिश में ही दें. मैंने भी इंग्लिश में ही दिया था तो इट डिपेंड्स ऑन यू. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उर्दू और इंग्लिश से आपके मार्क्स के ऊपर. मार्क्स तभी आएंगे अगर आप डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. ठीक है, थर्ड थिंग, मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर इस्लामियत की गाइडलाइंस दी हुई हैं. उसके ऊपर मैंने इन दोनों किताबों की तस्वीर भी डाली हुई है और इसके अलावा मैंने CSS टॉपर्स की इस्लामियत के आंसर्स की आउटलाइंस डाली हुई हैं कि अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक का आंसर लिख रहे हैं तो उसकी आउटलाइन किस तरीके से बनाएंगे. काफ़ी लोग आउटलाइन बनाते हैं आंसर की, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. आउटलाइन ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको आसानी हो जाती है आंसर लिखने में. आउटलाइन बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सी हेडिंग्स डालनी है हर आंसर में, कौन सी हेडिंग्स डालनी है किस तरीके से. सो डू गो थ्रू दैट. मैं अपने YouTube की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आई विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ CSS रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल. मूविंग ऑन, शॉर्ट नोट्स. इस्लामियत के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते वो जब एग्ज़ाम वाले दिन जाते हैं वो रिवाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप किताब से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले आपके पास मुश्किल से 1 से 2 घंटे होते हैं. उसके अंदर अगर आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स हैं तो आप ईज़िली तैयारी कर लोगे. शॉर्ट नोट्स नहीं तो 100% आप फेल करोगे एग्ज़ाम को. ये मेरी अपनी ज़ाती राय. और शॉर्ट नोट्स मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किए हैं. मैंने शानज़े फाइक के शॉर्ट नोट्स शेयर किए, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे अपने नोट्स शेयर किए थे. यू विल फाइंड देम ऑन माय पेज एज़ वेल. मैंने उन्हीं के नोट्स यूज़ किए थे, दे वर वेरी हेल्पफुल. उन्होंने सारी चीज़ें कवर की थी ए टू जी. वो नोट्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे, क्योंकि राइटिंग बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ के अपनी राइटिंग में ही लिख लें तो आपको आसानी हो जाएगी. अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा आप उनके नोट्स गो थ्रू करें. उनके नोट्स मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे और YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ों की लिंक्स मिल जाएंगी. यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट आई शेयर ऑन YouTube एज़ वेल एज़ फेसबुक. मूविंग ऑन,
फेसबुक पे मैंने एक और चीज़ शेयर की है, मैंने CSS टॉपर्स के जो मॉक पेपर्स हैं, मेरे पास उनका एक्सेस था जो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने दिए थे, वही कुछ पेपर्स मैंने शेयर किए हैं अपने फेसबुक पेज पे। उनके मॉक पेपर्स गो थ्रू करें, मॉक पेपर्स गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामियात के क्वेश्चंस का आंसर लिखना किस तरीके से, इंट्रोडक्शन किस तरीके से डालनी है, हेडिंग्स किस तरीके से डालनी है, हर हेडिंग के नीचे कितना कंटेंट लिखना है, कोटेशंस कहाँ डालनी है, हदीस कितनी लिखनी है, कुरानिक वर्सेस किस तरीके कितनी लिखनी है, कंक्लूड किस तरह करना है, आपका आंसर कितने पेजेस तक जाना चाहिए। जब आप इनके मॉक पेपर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा। आप किताब के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इनके मॉक पेपर्स गो थ्रू करके आप देखेंगे कि आंसरिंग पैटर्न क्या होता है, इस्लामियात में आंसर लिखते कैसे हैं। काफ़ी लोगों को CSS में यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि समझ ही नहीं आता कि आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर आंसर लिख भी लेते हैं तो पता नहीं चलता कि ये सही है या गलत है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बुक को गो थ्रू करने के बाद और मॉक पेपर्स गो थ्रू करने के बाद आप पास्ट पेपर की तैयारी करना शुरू कर दें। पास्ट पेपर से 2016 से लेके 2022 तक के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं इस्लामियात के ईयरली, सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस निकालें, उनमें से पहले क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली ना लिखें, उनकी आउटलाइन बना लें हेडिंग्स की, और फिर आउटलाइन बना लें, उसके बाद अगर आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो फिर डायरेक्ट पूरे फुल लेंथ आंसर्स लिखना शुरू कर दें, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू करें। सिर्फ किताब पढ़ने से और कोटेशन याद करने से आप इस्लामियत का पेपर पास नहीं करोगे, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट अ गुड रिज़ल्ट। एंड ये भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप मॉक्स दें, जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं कोशिश करें, फिज़िकली जाके दें, फिज़िकली जाके नहीं दे सकते तो आप ऑनलाइन दें। मॉक्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 2.5 आवर्स के अंदर 4 सवाल के जवाब लिख सकते हैं या नहीं, फुल लेंथ आंसर लिख सकते हैं या नहीं। काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं बचता एंड में, वो आंसर लिख ही नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईज़िली इस्लामियत का जो पेपर है वो पास कर लेंगे। इट्स वेरी ईजी अगर आप सही टेक्निक फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉमेंट बिलो। I will answer all your comments. And besides that, if you like this video, don't forget to click on the like button as well. If you want me to make any other videos on any other subject, please do let me know in the comment section below. I hope this was helpful. Thank you so much. Take care.